मणि पद्मा और उन्होंने मुझे पूरा ब्रीफ किया सब चीज़ के लिए. सो आई वॉज लिसनिंग, वो बोल रहे थे उनके, बट बिकॉज आपको पता है आई ऑलवेज एनकरेज वुमेन एम्पावरमेंट एंड एंटी डिप्रेशन पीपल, इट्स लाइक अ सोशल कॉज. जो उनका रूट कॉज, द वे दे टोल्ड मी 2-3 पॉइंट्स वाज सो हार्ट टचिंग, कि मणि पद्मा कोई एनजीओ नहीं है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे. रूट कॉज में जाके वो देखेंगे कि किसी चीज़ की प्रॉब्लम क्या है. आज आप साइकाट्रिस्ट के पास जाते हो, आपको करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, साइकाट्रिस्ट के पास जाते हो, इलाज करने जाते हो, बीमार होते हो इलाज करने जाते हो. अगर हम बीमारी को ही हटा दें जड़ से तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होगी. सो दैट इज़ वॉट देयर पर्पज, एंड उसके लिए वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें प्रोग्राम्स बना रहे हैं, या लाइक यू नो फॉर द वुमन एम्पावरमेंट एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स दे आर डूइंग इट. सो इट वॉज अ वेरी नाइस थिंग, आई लव द कॉन्सेप्ट, एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर अ सोशल कॉज. ऑब्वियसली बींग अ एक्ट्रेस बहुत फ़र्क पड़ता है, जब कोई भी एक्टर इस चीज़ को बोलता है तो लोग ज़्यादा सुनते हैं. सो इट्स लाइक आई एम अ वॉइस ऑफ मणि पद्मा, एंड द होमवर्क दे हैव डन, द एवरीथिंग, कितने सालों से जो उन्होंने किया, इनकी बैक स्टोरी, एवरीबडी हैज दैट बैक स्टोरी एंड वाई दे आर डूइंग इट, इट वॉज वेरी इम्प्रेसिव, एंड दैट्स द रीज़न मैं आज यहाँ हूँ, होस्ट कर रही हूँ पूरा इवेंट. क्योंकि एक ही है कि आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग टू मणि पद्मा एंड आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग टू सोसाइटी. एंड ये जो डिप्रेशन होता है, लॉट ऑफ पीपल गो थ्रू डिप्रेशन, आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू डिप्रेशन, इन द सेंस हम काम करते हैं, हम घर में नहीं रहते हैं, हम ट्रैवल करते हैं, इमोशनली बहुत ड्रेनड आउट हो जाते हैं. एंड डिप्रेशन डजेंट मीन कुछ होना चाहिए, डिप्रेशन इज जस्ट समथिंग डजेंट हैपनिंग एंड यू गो टू दैट सेल्फ जोन. सो वाई टू गो इन सेल्फ जोन का, वाई कैन बी सेल्फ एम्पावरमेंट आर सेल्फ. सो दैट इज द होल कॉन्सेप्ट अबाउट मणि पद्मा, एंड दैट इज वाई आई एम हियर. एम आई राइट? ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, स्पेशली फॉर ह्यूमन एंड वुमन बोथ. देखिए आज वुमन को आप देखिए, सी फ्रॉम योर मदर साइड, कि हर एक वुमन है ना, उनका एक अपना अपना क्वालिटी है, यू नो, हर एक हिडन क्वालिटी है. किसी का माँ अपना खाना बनाने में अच्छा है, किसी का माँ हर चीज़ में अच्छा है. यू सी नाउ जनरेशन ऑल्सो, आई थिंक सो ह्यूमन, बेसिकली वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, वी आर ट्राई टू डू गुड फॉर द सोसाइटी. बट आज की डेट में देखिए, मैं आई एम पार्ट ऑफ मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, मैं मैनेजिंग कमेटी मेंबर हूँ, और मेरा अपना एक क्रिश स्पोर्ट्स फाउंडेशन है जो आदिवासी बच्चों लोगों के लिए काम करता है, फॉर ट्राइबल चिल्ड्रन. हम उसमें से क्या करते हैं कि आदिवासी बच्चे लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं स्पोर्ट्स. मैं उसमें अभी देख रहा हूँ कि मुझे लड़कियाँ काफ़ी पोटेंशियल मिलती है. अभी देखो, अभी मेरी कॉम देखो, शी इज़ अ ट्राइबल गर्ल, मेरी कॉम. अभी उनका नाम देखो, वर्ल्ड वाइड नाम है उन लोगों का. सो ऐसा हर एक वो जो वुमन है, उनमें कुछ ना कुछ हिडन है. तो हम ये सोचना चाहिए इनको कैसा डेवलपमेंट इनको किया जा सकता है इन फ्यूचर के लिए. सो मैं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड का हूँ, तो मैं हमेशा स्पोर्ट्स का सोचता हूँ कि इनको किस तरह फैसिलिटी देना चाहिए. तो मैं इनके लिए क्या कर रहा हूँ, मैं ये साल 25-25 बच्चों को, स्पेशली उसमें मोस्ट ऑफ द पीपल आर गर्ल्स, मैं ज़्यादा लड़कियों को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से महाराष्ट्र के, वहाँ से ला के उन लोग को यहाँ पे फैसिलिटी उनको ये दे रहा हूँ, एकोमोडेशन, फूड एंड द एजुकेशन एंड द ट्रेनिंग उनको साथ में करके. अगर उसमें से 4 बच्चे भी इंडिया को रिप्रेजेंट करें ना, लड़कियाँ और बॉय, वट एवर, आई एम थिंकिंग अबाउट गर्ल्स. सो मुझे एक बड़ा गर्व होएगा और कंट्री के लिए काफ़ी गर्व की बात है. तो सब इससे जुड़े हुए हैं, मैं आभारी हूँ उन सबका कि इन्होंने मुझे इस एसोसिएशन के साथ जोड़ा है, और मैं चाहता हूँ इसका बेनिफिट सारे एक्टर्स, सारे फिल्म फ्रेटर्निटी उठाएं और यहाँ पर आएँ, और जो भी उनका मन का, जो भी उनका भाव है, वो यहाँ व्यक्त करें और उसका सलूशन मिले उनको यहाँ पर. क्योंकि अंधेरे में क्या, HMI के पीछे बहुत अंधेरा है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि लाइट्स के पीछे बहुत अंधेरा होता है. तो यहाँ पर कुछ उजाला मिले तो लोग आएंगे जरूर, बिल्कुल बन जाएंगे. सर, जो ट्रूथ है ना, उसका पावर इतना बड़ा है, क्योंकि ये तो सब शुरुआत है. आप 3 महीने बाद आप ये देखेंगे कुछ और मिरेकल, 6 महीने बाद और मिरेकल्स देखेंगे. तो जो मणि पद्मा की डिज़ाइन है, वो डिज़ाइन इतनी ह्यूमन और इतनी क्लियर कट डिज़ाइन है कि यू कांट, यू नो, देर इज़ नो एस्केप टू यू, देर इज़ नो एस्केप टू द मणि पद्मा सॉल्यूशंस. देर इज़ द ओनली वे. सो आई कैन गारंटी वेरी सून वील सी इवन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ द वेरियस कंट्रीज एक्सेप्टिंग मणि पद्मा प्लेटफॉर्म, कंट्री टू कंट्री सपोर्ट फॉर मणि पद्मा प्लेटफॉर्म, एंड आई मीन एवरीबडी फ्रॉम वर्ल्ड ओवर यू कैन वी विल बी सीइंग दैट. प्रोबेबिलिटीज हैज़ जस्ट बिगन. टुडे इज़ द डे that Mani Padma expresses to the world after years and years of hidden and concealed sacred work. So it does not mean it is launched today, it was launched way back, and there is a huge research and development which has been always on the platform. So
So, you know, these faces, when we meet them today, it is like a union of long back, association of long time back. I think everybody, including you people from media, know that you have a problems in your families. Everybody has problems in their families. But there has to be a solution to, you know, overall solution as a human being, collective solution for everybody. Sir, what do you want to say? One thing I would like to say, that money, all of us know what is coin. All of us know what is coin, dollar. So, जैसा एक रुपए का सिक्का है, उसको दो बाजू है, one and two. So on first path, we will Manipadma will be working as increasing the human consciousness level. First, self consciousness, human healing. On the other side, we will be working on the sustainable development goals. 17 sustainable development goals which have been laid down under the United Nations, and the target is 2030. The target is very less, means very less years are remaining. So we are going to work every specific goal aligned with the United Nations Sustainable Development Goal. 17 goals have been laid down under that, and we are working. Already we have started initiation and will be working. So we have already associated with United Nations on large scale. I myself working with multiple countries, 60 to 70 countries has been, you know, delegating his subjects of sustainable development the way they are. And today also we have a speaking section from him on sustainable development. Okay.